कोच, आज हम अपने हेल्थ न्यूट्रिशंस की सीरीज में बात करने वाले हैं फाइबर पर एंड इसके यूज के रीजन एंड बेनिफिट्स पर। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें कोई पोषण तो नहीं मिलता, पर फिर भी यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिलहाल हम इसके बेनिफिट्स पर बात करने से पहले बात करेंगे इसके यूज करने के रीजन एंड फाइबर की कमी से होने वाली समस्याओं पर। फाइबर सेल्यूलोज एंड लिग्निन से बना है, इसे पचाया नहीं जा सकता और ना ही इसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां इसका बहुत कम हिस्सा ही बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकृत किया जाता है और फिर वहां से यह मलाशय द्वारा बाहर आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इसमें ना तो पोषण है और ना ही ये डाइजेस्ट होता है तो फिर इसकी जरूरत क्या है और इसके नुकसान भी क्या होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइबर की कमी पर व्यक्ति मोटापे और कब्ज जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है, और कब्ज होने से पेट साफ ना हो सकने के कारण मुंह में छाले होना भी आम समस्या हो जाती है। इसके अलावा गैस और पेट से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम के साथ साथ आंत का कैंसर, बवासीर एंड हार्ट डिसीजेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फाइबर की प्रॉपर डाइट ना यूज करने से हमें हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ये छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत फिर मलाशय से बाहर आने के कारण हमें कब्ज और उसके कारण हो सकने वाली अनेक समस्याओं से अपने वर्किंग प्रोसेस के कारण बचा सकता है। इसके अलावा यह पाचन संबंधी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज एंड हार्ट से संबंधित रिस्क को कम कर सकता है। खाने के बीच में इसे यूज करने से यह पेट को भरा होने का एहसास कराएगा, ताकि भूख और खाने के लालच पर कंट्रोल करके आपको बिना जरूरत की कैलोरीज लेने से बचा सके और आपको हेल्दी डाइट के साथ साथ वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिल सके, बिकॉज फाइबर वेट मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्पफुल है। और ये खाना खाने के बाद आलस और ऊर्जा की कमी की फीलिंग कम करके एक्टिव भी बनाए रखता है। इसके अलावा फाइबर शरीर में घुलकर गाढ़ा जल बनाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इवन ब्लड शुगर एंड डायबिटीज पेशेंट के लिए भी यह बहुत यूजफुल होता है। वैसे तो फाइबर डाइट आपको रेशेदार सब्जियों, मक्का, चोकर वाले गेहूं या फिर ड्राई फ्रूट आदि से मिल सकती है, बट अगर आप एज इश्यू, बिजी लाइफ या फिर किसी और कारण से फाइबर डाइट के लिए अलग अलग चीजों का यूज नहीं कर सकते और अपने आप को फाइबर की एक प्रॉपर मात्रा देने में असमर्थ हैं, तो न्यूट्रिशन के तौर पर हम आपको फॉरएवर फाइव यूज करने की सलाह देंगे। इसमें फाइबर डाइट की प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड होती है और जितने भी फायदे फाइबर यूज करने से मिलने चाहिए वो सब आपको मिल सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी के मामले में फॉरएवर ना तो कोई समझौता करती है और ना ही अपने यूजर को करने देती है। इसीलिए वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए यह फेमस भी है। फॉरएवर फाइबर को आप एलोए ड्रिंक्स या पानी में घोलकर या फिर खाने के ऊपर छिड़क कर भी यूज कर सकते हैं और वेट मैनेजमेंट के साथ साथ और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स इससे प्राप्त कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज फॉरएवर फाइबर के बारे में जानकर और इसके बेनिफिट्स की वैल्यू को जानकर? कमेंट करके बताना ना भूले। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्णा।